Hello students, welcome back. Last part of the chapter 7, that is sensible heat, latent heat and total enthalpy of air. Hindi mein hum kehte hain gay ushma, gupt ushma aur vayu ki enthalpy kul ushma. To gay ushma jab hum baat karte hain ki ye kya hoti hai, to simple way mein jab hum kisi padarth ko garm karte hain to uska tapman badhta hai. उसी तरह जब हम किसी पदार्थ को ठंडा करते हैं तो उसका तापमान कम होता है. इस प्रकार तापमान बढ़ने या कम होने के लिए जिस ऊष्मा की जरूरत होती है उसी ऊष्मा को हम गेय ऊष्मा कहते हैं. इस ऊष्मा के दौरान इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं रहता, यानी कि अगर ठोस है तो ठोस रहेगा, द्रव है तो द्रव रहेगा और गैस है तो गैस रहेगा. ठीक है, इंग्लिश में सेंसिबल हीट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड इट्स टेम्परेचर राइजेस, हीट इज एडेड. सिमिलरली व्हेन इट इज कूल्ड टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, हीट इज रिमूव्ड. दिस हीट एडेड और रिमूव्ड इज नोन एज सेंसिबल हीट एंड ड्यूरिंग द एडिशन और सब्ट्रैक्शन देयर इज नो चेंज इन द फेज, यानी उसका फेज चेंज नहीं होगा. सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, उसकी स्टेट में यानी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा. उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारी लेटेंट हीट. तो लेटेंट हीट क्या होता है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि अगर हमें लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें उसको फ्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा. उसी तरह से सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हीट करना पड़ेगा. लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है उसके लिए भी हमें इवेपोरेशन करने के लिए हीट करना पड़ेगा. अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कंडेंसेशन करना होता है, उसके लिए हमें उसे ठंडा करना पड़ेगा. तो जैसे भी एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि सपोज करो 0 डिग्री सेल्सियस आपका वाटर है और उसको हम 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट करने के लिए उसमें से जितनी हीट निकालेंगे वो हीट हो जाएगी हमारी लेटेंट हीट. ठीक है, इसी तरह से सपोज करो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है और उसको हम हीट दें और वो कन्वर्ट हो जाए 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में. तो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो हीट हो जाती है आपकी लेटेंट हीट. लेटेंट हीट को हम हिंदी में कहते हैं गुप्त ऊष्मा. तो स्थिर तापमान पर किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली ऊष्मा. तो यानी कि अब हमें उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करना है. तो अब इस केस में क्या होता है, टेम्परेचर आपका स्थिर रहता है. तो ये जैसे हमने एग्जांपल की बात करी थी 0 डिग्री सेल्सियस आइस हो या 100 डिग्री सेल्सियस वाटर हो तो उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा. यानी कि जब हम 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से हीट निकालते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पहले आइस में कन्वर्ट होती है. उसी तरह से 100 डिग्री सेल्सियस जो आपका वाटर है उसको हम हीट करते हैं तो वो 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम यानी भाप में आपका कन्वर्ट होता है. तो ये जो आपका अवस्था में परिवर्तन के लिए जो हमें ऊष्मा चाहिए होती है वो ऊष्मा होती है आपकी गुप्त ऊष्मा. अब हम इसके लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं. लास्ट पार्ट है आपका टोटल एंथैल्पी ऑफ एयर. तो जैसे कि हमने बात करी थी कि हम लोग एयर को एयर कंडीशनिंग के पर्पज से यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली हम उसको मोस्टली एयर कंडीशनिंग के लिए एयर को ठंडा करते हैं और उसकी ह्यूमिडिटी को क्या करते हैं आपका कम करते हैं. तो अब इस केस में हमें देखना होता है कि उसकी इनिशियल एंथैल्पी कितनी थी और फिर फाइनल एंथैल्पी आपकी कितनी हो गई, यानी कि जो उसमें से हीट आपकी ऐड होती है या रिमूव होती है वो हीट आपकी एंथैल्पी के फॉर्म में होती है. तो अब इसमें जैसे हमने बताया था कि हमारी जो एयर है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहला पार्ट होता है ड्राई एयर और दूसरा वाटर वेपर. तो हमने दो पार्ट में बताया था, इसलिए डिवाइड किया था क्योंकि जो ड्राई एयर होती है उसका फेज चेंज नहीं होता है और वाटर वेपर का फेज चेंज होता है. इस वजह से हमें जो नॉर्मल एयर हमारी होती है उसको हम मॉइस्ट एयर भी कहते हैं, उसको दो पार्ट में हमें डिवाइड करना पड़ा. तो टोटल एंथैल्पी ऑफ एयर इज द सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर एंड एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर. तो हम अगर हम टोटल एंथैल्पी देखना चाह रहे हैं तो टोटल एंथैल्पी में हम ड्राई एयर की एंथैल्पी में और वाटर वेपर की एंथैल्पी को क्या कर दे, ऐड कर दे, तो वो हमारी टोटल एंथैल्पी ऑफ एयर आपकी हो जाएगी. ठीक है, तो अब देखिए अगर हम इसका फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला है, देखिए H इज इक्वल टू
एच ए प्लस डब्लू टाइम्स एच जी। एच आपकी टोटल एंथैल्पी हो गई, एच ए आपकी हो जाएगी एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर। उसके बाद डब्लू जो होता है आपका ह्यूमिडिटी रेशियो, जो हमने पहले फॉर्मूला बात करा था वो आप पुराने उससे भी देख सकते हैं। तो ह्यूमिडिटी रेशियो बेसिकली बताता है कि आपका कितना आपका वाटर वेपर का कंटेंट एयर में है। तो जो भी आपकी एच जी उसकी आपकी एंथैल्पी है वाटर वेपर की, उसको हमें वाटर वेपर का कंटेंट जितना है उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें टोटल एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एच ए प्लस डब्लू टाइम्स एच जी, एच ए आपका एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर, डब्लू आपका ह्यूमिडिटी रेशियो, ठीक है। तो डब्लू हमेशा ध्यान रखेंगे, स्मॉल डब्लू जो होता है वो एयर में कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर है वो आपका बताता है, और एच जी जो है आपका एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर। तो ये एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर हम लोग स्टीम टेबल से देख लेते हैं, और ये जब वैल्यू इसमें हम लोग क्या करते हैं आपकी रिप्लेस करते हैं, तो हमें ये फॉर्मूला मिलता है एच इज इक्वल टू 1.005 टी डी प्लस डब्लू टाइम्स 2500 प्लस 1.88 टी डी। तो अब यहाँ पे जो आपका W है ये तो आपका वही ह्यूमिडिटी रेशियो है, और जो TD है वो आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। तो अगर हमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर पता हो और W पता हो तो हम किसी भी एयर की एंथैल्पी इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, आपका कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर हम यही चीज़ अगर हिंदी में डिस्कस करते हैं तो वायु की एंथैल्पी या उसकी कुल ऊष्मा जो है, तो वायु की एंथैल्पी में दो पार्ट हो गए आपका, एक एंथैल्पी आपकी होगी किसकी, शुष्क वायु की, तथा दूसरी जो एंथैल्पी होगी वो किसकी होगी, आपकी जलवाष्प की। तो फॉर्मूला तो जैसे आप लोग को पता ही है कि हम लोग हिंदी और इंग्लिश में कॉमन आपका यूज करते हैं, तो एच ए इज इक्वल टू एच ए प्लस डब्लू टाइम एच जी। तो एच ए आपका किसकी, शुष्क हवा की एंथैल्पी हो गई ड्राई एयर की, एच जी आपकी जलवाष्प की एंथैल्पी हो गई। उसी तरह से डब्लू जो होता है उसको हम लोग कहते हैं आर्द्रता का अनुपात। तो आर्द्रता का अनुपात जो है ये हमें ये बताता है कि जो आपकी हवा है उसमें कितनी अमाउंट में, कितनी मात्रा में आपका जलवाष्प है। तो अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमें टोटल एंथैल्पी मिल जाता है, और भाप सारिणी से अगर इसमें हम लोग फॉर्मूला पुट कर दे, वैल्यूज पुट कर दे, तो हमें जो फाइनल फॉर्मूला मिल जाता है इसका डेरिवेशन आपको नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एच इज इक्वल टू 1.005 टी डी प्लस डब्लू टाइम्स 2500 प्लस 1.88 टी डी। टीडी यहाँ पे आपका क्या है, शुष्क बल्ब तापमान। तो इस फॉर्मूले में अगर आप टीडी की वैल्यू और डब्लू की वैल्यू, यानी किसी एयर के लिए हम उसका ड्राई एयर, किसी भी आपका एयर के लिए अगर हम उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर कैलकुलेट कर लें, डब्लू की वैल्यू हमें पता हो, तो हम उसकी एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं।